में चुनाव के बीच बीजेपी की गुंडागर्दी जारी है दोस्तों। खबर आ रही है कि त्रिपुरा में लोकल चुनाव हो रहे हैं और वहां लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, हड़काया जा रहा है कि वोट ना करें। टीएमसी के नेताओं को पीटा भी जा रहा है, ये भी खबरें सामने आई है। इसी के साथ वीडियोस भी सामने आ रही है जो आपको दिखाएंगे। साथ ही कई पोलिंग बूथ ऐसे हैं जहां सरेआम वोटिंग की धांधलेबाजी शुरू है, जबरदस्ती वोटिंग डाली जा रही है किसी और पार्टी के नाम पर, लोगों का वोट देने जाने से रोका जा रहा है, उनको हड़काया जा रहा है। त्रिपुरा में सरेआम इस वक्त लोकतंत्र की धज्जियां उड़ रही हैं। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। त्रिपुरा में लोकल चुनाव हो रहे हैं दोस्तों। लगभग 13 नगर निकायों के 655 पोलिंग बूथ पर वोटिंग हो रही है इस वक्त। अगर बात करेंगे त्रिपुरा की तो अभी इस वक्त पूरा चुनावी माहौल है त्रिपुरा में। अब पोलिंग बूथ में सामान्य तौर पर क्या होता है, साधारणता क्या होता है कि निष्पक्षता के साथ चुनाव होने के लिए ईवीएम में वोटिंग करते वक्त बूथ में मौजूद कोई शख्स या कोई भी चुनाव आयोग का अधिकारी, चाहे वो कोई भी हो, चुनाव आयोग का अधिकारी ही क्यों ना हो, उस मशीन के आसपास वो नहीं भटकेगा। जिस वक्त मतदाता मतदान कर रहा होता है वो काफी कॉन्फिडेंशियल होता है, लेकिन त्रिपुरा में इसका उल्टा हो रहा है। इस वक्त पोलिंग बूथ पर मौजूद लोग ही मतदाता की जगह वोटिंग कर रहे हैं, जो वोटर है उसकी जगह वोटिंग कर रहे हैं वो लोग। त्रिपुरा के अगरतला में पोलिंग बूथ के अंदर का वीडियो वायरल हो गया है, जहां मतदाता एक बुजुर्ग महिला थी, वो वोट डालने जाती है, वोट डाल ही रही होती है, इतने में बूथ के अंदर एक ब्लैक शर्ट में एक आदमी खड़ा होता है, मौजूद एक लड़का होता है, वो आकर अपने मन से पार्टी का बटन दबा देता है। वो बुजुर्ग महिला समझ नहीं पाती कि ये उसकी नजरों के सामने हुआ क्या, क्योंकि उसने वोटिंग नहीं की। वो जब गई तो उसने वोटिंग का बटन नहीं दबाया, उस लड़के ने आकर वोटिंग का बटन दबा दिया। और जब उसने पूछा कि ये क्या हुआ, तो चुनाव आयोग के अधिकारी जितने बैठे थे पोलिंग बूथ के अंदर, जितने मौजूद थे, उन्होंने उस महिला को समझा बुझाकर बाहर का रास्ता दिखा दिया। आपको सबसे पहले अगरतला का ये वीडियो दिखाते हैं, उसके बाद आगे हम आपको दिखाएंगे कि लोगों को कैसे वोट ना डालने के लिए वहां डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, हड़काया जा रहा है कि भाई तुम वोट नहीं डालोगे किसी भी तरीके से। उससे पहले आपको ये वीडियो दिखाते हैं, देखिए। তুমি সামনে থেকে সরো, নাহলে বুদ্ধি মুখে কেমনে করছো? তুমি তো সত্য ধরবে। हालत है इस वक्त अगरतला के पोलिंग बूथ में, खुलेआम वोटों की धांधलेबाजी चल रही है। टीएमसी ने जो आरोप लगाया है उसके लिए आपको एक खबर भी स्क्रीन पर दिखा देते हैं। एनडीटीवी की एक खबर है दोस्तों, जो एनडीटीवी की इस खबर में सारी चीजें लिखी है कि टीएमसी ने क्या आरोप लगाया, टीएमसी का आरोप क्या है। इसके मुताबिक टीएमसी समेत बाकी विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के कार्यकर्ता मोटरसाइकिल पर घूम रहे इधर उधर और लोगों को डरा धमका रहे हैं,
साथ ही पोलिंग बूथ में हर वोटर को ना जाने के लिए भी कहा जा रहा है कि किसी भी उम्मीदवार को अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। ये खबर कहती है दोस्तों कि सीपीआईएम के मुताबिक अगरतला के कई म्यूनिसिपल काउंसिल ऐसे हैं जहां से ये खबर आ चुकी है कि चुनाव वाले इलाकों में बड़ी तादाद में बीजेपी के गुंडे जो है वो इधर उधर घूम रहे हैं, मोटरसाइकिल पर घूम रहे हैं, और जितने भी विपक्षी पार्टी के उम्मीदवार हैं उन्हें पोलिंग बूथ पर ना जाने की धमकी दी जा रही है। कहा गया है कि पोलिंग बूथ पर मत जाओ वरना बुरा भुगतान भुगतना पड़ेगा। साफ तौर पर यहां धमकी दी जा रही है विपक्षी पार्टी के उम्मीदवारों को। विपक्ष के आरोप में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं है वो हम आपको कुछ वीडियोस के जरिए दिखाते हैं दोस्तों, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारी इन बातों का विरोध करेंगे, लेकिन सबूतों के साथ दिखाते हैं जिससे साबित हो जाएगा कि बिप्लब देव किस कदर गुंडागर्दी मचवा रहे त्रिपुरा में। आपको वीडियो दिखाते हैं कि लोगों को कैसे डराया धमकाया जा रहा है। वीडियो देखिए, पुलिस रिपोर्ट करो। जी तो त्रिपुरा में ये सब शुरू है। साफ तौर पर वीडियो में आपने देखा होगा दोस्तों कि किस तरीके से लोगों को वापस लौटने के लिए कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि आप अंदर नहीं जा सकते, वापस लौट जाओ, नहीं देना है तुमको वोट। वो मना कर रहे हैं तो उन्हें पीटा जा रहा है, उन्हें कहा जा रहा है कि भाई तुम नहीं जा सकते हो अंदर। उनको धमकाया जा रहा है, हड़काया जा रहा है, घर घर जाकर हड़काया जा रहा है। इसको आप गुंडागर्दी नहीं तो और क्या कहेंगे। टीएमसी के कार्यकर्ताओं को भी पीटा गया है दोस्तों। आपको दो वीडियो दिखाते हैं, पहली वीडियो दिखाएंगे आपको सबसे पहले, और एक इस वीडियो में आपको एक शख्स नजर आएगा जो कि टीएमसी के उम्मीदवार का पोलिंग बूथ एजेंट है, श्यामापाल नाम है उसका। उसका आरोप है कि बीजेपी के गुंडों ने उस पर हमला किया। पहले आपको ये वीडियो दिखाते हैं, फिर एक और वीडियो आपको दिखाएंगे जिसमें टीएमसी के पोलिंग बूथ एजेंट जो है एक महिला है जो बिप्लब देव को चिल्ला चिल्ला कर गुंडा बता रही है। शुरुआत में आपने उनका वीडियो भी देखा होगा, लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो देखें। বলছি আপনারা এখন কোথায় যাবেন? আমরা কি করবো, এখানে যাওয়ার মতো পরিস্থিতি নেই, এবং গভর্নমেন্ট ভোট तो इस कार्यकर्ता के साथ इसलिए मारपीट हुई क्योंकि ये विपक्षी पार्टी से है, या यूं कह लीजिए कि टीएमसी से है, जिससे बीजेपी इस वक्त खौफ खा रही है। इसके बाद आपको दिखाते हैं कि टीएमसी की उम्मीदवार बिप्लब देव पर कैसे भड़की है बुरी तरीके से। वो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री पर भड़की है, बिप्लब देव कुमार पर। उन्होंने कहा कि हर बूथ पर हमारे कार्यकर्ताओं उम्मीदवारों को पीटा जा रहा है, मैंने ऐसे बीजेपी कभी नहीं देखी, ये साफ तौर पर गुंडा राज है। इस वीडियो में वो मुख्यमंत्री बिप्लब देव को गुंडा कहती हुई नजर आ रही हैं और चिल्ला चिल्ला कर बीजेपी का विरोध कर रही हैं कि उनके कार्यकर्ताओं के साथ जिस तरीके का सलूक त्रिपुरा में हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। आपको ये वीडियो भी दिखा देते हैं, देखिए। নম্বর ওয়ার্ডে আমি অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থী পান্না দেব। আমার দশ নম্বর ওয়ার্ডের সাত নম্বর বুথ আমার দুইটি পুলিং এজেন্টকে মেরে বের করে দিয়েছে, আমার নির্বাচনী এজেন্টকে মেরেছে। জ্যাবি স্কুলে যান, সমস্ত পুলিং এজেন্ট সন্ত্রাস চালাচ্ছে, বিজেপি গুন্ডারা সন্ত্রাস চালাচ্ছে। আমি 2010 থেকে 15 কাউন্সিলর ছিলাম, আমি কোনদিন এরকম দেখিনি। আমি প্রার্থী ছিলাম, আমি কাউন্সিলর হয়েছিলাম, এমন বিজেপির গুন্ডাদের মতো সন্ত্রাস আমি দেখিনি। আজকে বিজেপির যত যত মানে আমি বলবো, বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী গুন্ডা সন্ত্রাস মুখ্যমন্ত্রী চালাচ্ছে, মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশে আজকে প্রশাসন নীরব ভূমিকা পালন করছে। আচ্ছা, বিজেপির তরফ থেকে একটা অভিযোগ যে त्रिपुरा के अगरतला से है। वहां इस वक्त बीजेपी कोई भी पैतरा अपनाकर अगरतला अपने हाथ में लेना चाहती है, क्योंकि अगरतला पे बहुत सारी निगाहें टिकी हुई है दोस्तों इस वक्त, क्योंकि वहां पहले सीपीआईएम थी, अब टीएमसी भी वहां पर सेंध लगा रही है। ऊपर से पूरे त्रिपुरा में बीजेपी जो कांड कर रही है वो तो आप जानते ही है, उससे तो कोई अनजान नहीं है। तो इसके बाद बीजेपी का डर जाने का नाम नहीं ले रहा है, अब डर इनके अंदर समा गया है, इसलिए साम दाम दंड भेद सभी पैतरे अपनाकर वोटिंग करवाई जा रही है। आपको एक और वीडियो दिखाते हैं दोस्तों, ये वीडियो भी त्रिपुरा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है, और अकाउंट पर शेयर करते हुए क्या कुछ लिखा है आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये वीडियो शेयर करते हुए लिखा गया है कि लोगों को वापस लौटाया जा रहा है, जब वो वोटिंग डालने गए तो उनको वापस लौटा दिया गया। कम से कम 30 से 40 लोग ऐसे थे जो पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे तो उन्हें वहां से ये कहकर वापस लौटा दिया गया कि उनके नाम के वोट तो पहले ही डाले जा चुके हैं, मतलब वो गए भी नहीं और उनके नाम के वोट भी डाले जा चुके।